अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब जो हम करने लगे अगला टॉपिक हमारे नेफ्रोलॉजी मेडिसिन में, दैट इज अबाउट वो वाली डिजीजेस जो कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरह प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, इसमें आपकी वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को भी मैं डिस्कस कर दूंगी। जरूरी नहीं है कि वो उसी तरह प्रेजेंट करे, अभी आप जहन में आया होगा आपने, क्योंकि जिन लोगों ने पैथोलॉजी में ये RPGN पढ़ा था, इसको रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को RPGN कहते हैं। उसमें पैथोलॉजी की बुक में जो रॉबिन्स थी उन्होंने तीन तरह की लिखी थी। एक उन्होंने लिखा था कि गुड पास्टर सिंड्रोम या एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीजेस जो होती हैं वो उन्होंने लिखी थी। फिर उन्होंने लिखी थी कि बहुत सारी सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस जो होती हैं, सिस्टेमिक वेस्कुलर डिजीजेस जो होती हैं, उनमें भी आपका RPGN हो सकता है, जिसमें सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस में आ जाता है आपकी, जिस तरह मैंने हिनॉक्स शॉलिन परपरा आपको बताया था, IgA नेफ्रोपैथी आ जाती है, SLE आ जाती है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आ जाते हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं। और तीसरी उन्होंने पॉसी इम्यून टाइप बताई थी। ये सारी मैं इसलिए आपको रिवाइज करा रही हूं क्योंकि ये आपकी रॉबिन्स में इस तरह से लिखी थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं कि पहले चले हम इस हिसाब से लेके चलते हैं कि रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ, यानी कोई भी इन्फ्लेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ ग्लोमेरुलस में, और उसने इतनी तेजी से डैमेज किया कि विद इन मैटर ऑफ डेज टू वीक्स वो शदीद खराब हो गया रीनल फंक्शन, और वो पेशेंट जो है वो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ आ गया। जाहिर सी बात है, शुरू में जब खराब हो तो सबसे पहले वही चीजें डेवलप होना शुरू होती है, हाइपरटेंशन होता है पेशेंट को, फ्लूइड रिटेंशन होती है, एडिमा हो जाता है, उसके साथ उसको प्रोटीन यूरिया एंड हेमेचूरिया होगा। ठीक है, जो जनरल सी चीजें होती है, इसमें ना मिक्स्ड सी पिक्चर आती है, नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक मिक्स्ड पिक्चर आती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि एक तरफ पेशेंट को प्रोटीन यूरिया भी बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको हेमेचूरिया भी बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको फ्लूइड रिटेंशन हो रही होती है, उसको एडिमा भी हो रहा होता है, उसको हाइपरटेंशन भी हो रही होती है। तो इसमें बहुत मिक्स सी पिक्चर आ रही होती है, क्योंकि बहुत तेजी से सब कुछ होता है। और इसमें जो RPGN की एक बड़ी इसके साथ बात एसोसिएटेड या आपने याद रखनी होगी कि जब भी हम इसमें रीनल बायोप्सी करते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें क्या होता है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में ऐसे क्रिसेंटिक फॉर्म में डिपॉजिट्स मिलते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं क्रिसेंटिक लियंस इन GBM। तो जो क्रिसेंटिक लियंस का वर्ड अगर आपको कभी भी लिखा हुआ नजर आए किडनी के डिजीजेज या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से रिलेटेड, तो आपका पहला ध्यान RPGN की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जो डिपॉजिट्स बन रहे हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से होते हैं ना कि डिपॉजिट सारे, अभी आपके पास सपोज ग्लोमेरुलस का ल्यूमेन है, ठीक है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी का ल्यूमेन है, और ये आपकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी सी है, ये इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में अगर कोई चीज आके डिपॉजिट हो जाती है, वो भी सारी की सारी ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में, तो उसको हम कहेंगे ना कि GBM में क्रिसेंटिक लियन बन गई है, तो ये इसमें हो रहा होता है। अच्छा, बाहर है RPGN में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से डिजीज आ सकती है, तो इसमें से हम पहले डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो कि आपको जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट को होता है स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन थ्रोट दोनों के बाद हो सकती है ये, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन के तकरीबन 10 दिन बाद प्रेजेंट करती है, यानी कि उसके बाद ज्यादा अरसा नहीं लगता, तकरीबन 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद प्रेजेंट करता है, लेकिन अगर स्किन इन्फेक्शन होता है तो ज्यादा लंबा टाइम होता है, 4 से 5 हफ्ते बाद पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करेगा, वही वाली टिपिकल ज्यादा हेमेफ्रिटिक की तरफ पिक्चर जा रही होती है कि पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हेमेचूरिया के साथ, यानी कि उसको पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद कंप्लेन ऑफ स्मोकी कलर्ड यूरिन, चाइल्ड होगा, बच्चों में बहुत कॉमन है, ठीक है, स्मोकी कलर्ड यूरिन। स्मोकी कलर्ड यूरिन याद रखना, ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कोला कलर्ड या स्मोकी कलर्ड यूरिन जब हेमेचूरिया होता है, क्योंकि कई बार जो आपका यूरिन का कलर वो ब्राइट रेड नहीं होता, वो कोला सा जो होती है ना कि ये कोका कोला कलर्ड उस तरह का हो रहा होता है, इसलिए स्मोकी या कोला कलर्ड कहते हैं। तो हेमेचूरिया का वो कहेंगे कि स्मोकी कलर्ड यूरिन के साथ पेशेंट प्रेजेंट किए, उसके साथ हमने देखिए तो उसका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा था और पेशेंट को एडिमा भी डेवलप हुआ है, ठीक है। अब ये चीजें आपको पता है कि हाइपरटेंशन, हेमेचूरिया विद फ्लूइड रिटेंशन यानी एडिमा, ये तीनों चीजें नेफ्रिटिक की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो बेसिकली पोस्ट इन्फेक्शन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है आपकी, वो ज्यादा नेफ्रिटिक पिक्चर दे रही होती है, ठीक है। इसमें अब आपके पास बच्चे, और फिर आपको बता दें कि उसको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था 2 हफ्ते या 1 हफ्ता पहले, मतलब कि उसी वक्त हुआ हुआ नहीं होगा, वो होके ठीक हो चुका होगा, तो आपसे डायग्नोसिस पूछते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करानी है, कैसे मैनेज करना है पेशेंट को। तो ये आपका होता है इस वजह से है कि जो आपका स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया आया होता है उसका एक टॉक्सिन होता है, आपको पता है बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से, उसमें से एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन भी उसका एक टॉक्सिन होता है, उसके खिलाफ जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उसको हम कहते हैं एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडीज, ठीक है, ये लिख देती हूँ मैं। तो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन जो ओ एंटीबॉडीज है, ये उसके एक टॉक्सिन जो स्ट्रेप्टोलाइसिन होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बनाती है, और जब गला खराब होता है तब गला खराब होने वाला बैक्टीरिया आता है, उसके साथ उसका टॉक्सिन रिलीज होता है, एंटीबॉडीज बनती है, हम बच्चे को दवाइयां देते हैं ताकि उसका गला ठीक हो जाए, उसका गला ठीक हो जाता है और बैक्टीरिया चला जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी थी ये रह जाती है ASO,
ये एंटीबॉडी जो है ना ये हमारे जाकर जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहां पर जाके अटैक करती है, और उधर अटैक करने के बाद ये आपका ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की पिक्चर पे प्रेजेंट करती है, इस तरह की जो नेफ्रेटिक सिंड्रोम की, ठीक है। तो इसलिए जो ये होता है बेसिकली आपके इस एंटोस्ट्रेप्टोलाइसिन वो एंटीबॉडी की वजह से जो कि उसके टॉक्सिन के अगेंस्ट बनी थी, और एज अ रिजल्ट जो बच्चे उसे नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है उसका बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, कोई मसला नहीं होता आपको अगर हम चेक करेंगे। अच्छा, इसकी क्लिनिकल पिक्चर इस तरह की भी होती है कि ज्यादा बहुत एग्रेसिव कोर्स ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा एकदम से आरपीजीएन डेवलप करते, आरपीजीएन का मतलब होता है कि बहुत तेजी से ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस प्रोग्रेस हो और किडनी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करानी जो आपसे क्योंकि पूछते होते हैं, तो आपने कहना है कि पहले आप पेशेंट का बीपी मॉनिटर, अच्छा पहले तो आप उसका एएसओ टाइटर कराएंगे जो कि एलिवेटेड होगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की जब एक इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आता है ना, इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव होती है, उसमें आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिव होता है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं वो उससे लड़ने में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो C3 C4 जितने भी आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कॉम्पोनेंट्स हैं उनका लेवल बहुत लो होता है इस पोस्ट इन्फेक्शन जीएन में, क्योंकि वो सारे यूज हो चुके होते हैं अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है। तो आप एसो टाइटर कराएंगे वो ज्यादा आएगा, आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम C3 C4 कराएंगे वो लो आएगा, ठीक है। उसके साथ आप पेशेंट की जाहिर सी बात है आप देखिए उसे हिमेचूरिया हो गया, तो आप यूरिन एनालिसिस कराएंगे तो उसमें आपको प्रोटीन्स भी पॉजिटिव मिल सकती हैं, थोड़ी सी आपको ब्लड मिलेगा और आरबीसी कास्ट्स मिलेंगी। उसके बाद आप उसके आरएफटीज करेंगे तो आपको यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड ज्यादा मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को एजोटीमिया होता है तो यूरिया क्रिएटिनिन यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये आपने इन्वेस्टिगेशन करा ली, उसके साथ आप उसका कोई और ब्लड सीपी वगैरह कराने का देख लें, लेकिन उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं होती। फिर आपने बहुत डिटेल में मजीद लिखना तो आप कहेंगे पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे पल्मोनरी एडिमा को देखने के लिए, आप पेशेंट की कोई एंटी न्यूक्लियर एएनए एंटीबॉडीज करा रहे ताकि कन्फर्म हो जाए कि वो मसला नहीं है, तो बाहर है। लेकिन जो आपकी मेन इन्वेस्टिगेशन है वो यही वाली जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद मैनेजमेंट क्या होती है, इसमें हमें एंटीबायोटिक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बैक्टीरिया जा चुका होता है और टॉक्सिन को एंटीबायोटिक कुछ नहीं कहती, ठीक है। इस वजह से इसकी ट्रीटमेंट होती है सपोर्टिव, हमने बच्चे को एडमिट करना होता है, हमने उसका बीपी मेंटेन रखना है, रेगुलर बीपी चेकअप होता है बार बार, और उसका बीपी मेंटेन रखते हैं, और उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी दी जा सकती है, ठीक है, पहली बात ये। उसके बाद आपने उसके अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, आपने उसके फ्लूइड ओवरलोड को चेक करना है, उसका रेगुलर वेट चेक होगा कि फ्लूइड ज्यादा तो नहीं हो रहा, उसकी बॉडी में एडिमा को देखना है, और अगर ज्यादा हो रहा है तो आपने उसको डायरेटिक थेरेपी देनी है, ठीक है, और उसके साथ आपने उसकी फ्लूइड एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन रखनी है बॉडी में, क्योंकि उससे फ्लूइड ज्यादा सॉल्ट अगर ज्यादा लेगा तो फ्लूइड ज्यादा रिटेन होगा, तो फ्लूइड सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायरेटिक थेरेपी करेंगे, फ्लूइड को मॉनिटर करेंगे, ये मैनेजमेंट का बता रही हूँ। उसके साथ अगर पेशेंट को जरूरत पड़े तो आपने डायलिसिस भी करनी है क्योंकि किडनी इसमें कुछ अर्से के लिए थोड़ी सी कम फंक्शन कर रही होती है। तो ये सारा का सारा आपका सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें आप कोई पर्टिकुलर इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं देते, ये खुद ब खुद ही थोड़े दिनों में रिजोल्व कर जाते हैं। और उसके बाद आपका बहुत थोड़े से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सीकेडी में यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज में ज्यादा ज्यादा ठीक हो जाते हैं, तो ये आपके पास क्वेश्चन आता होता है जिस तरह मैंने आपको बताया, और आपने यही कुछ इसमें लिखना है। अब आ जाता है आपका एंटी जीबीएम डिजीज, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है कि इसमें होता है ये कि आपकी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अभी सब कुछ अभी तक जितना हम पढ़े बेचारी उसी के खिलाफ हो रहे हैं सब कुछ, उसके खिलाफ ना बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज बनाती है, और उसके खिलाफ क्या उसके पास होता है एक स्ट्रक्चरल कोलेजन होता है, जाहिर आपको पता है ये कैपिलरी की वॉल है, और ये कैपिलरी की वॉल से मेरा मुराद होती है कि ये कैपिलरी का एंडोथीलियम है, जहां जहां मैं कैपिलरी की वॉल बोलती हूँ ना उसका मतलब एंडोथीलियम होता है, क्योंकि वॉल ऑफ द कैपिलरी का मतलब तो सारी चीजें ही है ना, तो मेरा मुंह से निकलने में वो थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो आपने ध्यान में रखना है कि कैपिलरी का उसका मतलब है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के बाद आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनी हुई होती है कोलेजन से और मिक्स चीजें होती है, तो उसके कोलेजन में एक चीज होती है जिसके खिलाफ हमारी अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज बनाती है, और वो एंटीबॉडीज बनाएगी उस चीज के खिलाफ, तो जाहिर है वो जीबीएम यानी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करेंगी और अटैक करके वहां पर उसको खराब करेंगी और उसकी वजह से यहाँ पर डिजीज हो जाएगी, ठीक है, उसको हम एंटी जीबीएम डिजीज कहते हैं। तो ये जो बेसिकली हमारे पास जो कोलेजन है ना ये जीबीएम में जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, सेम वही टाइप का कोलेजन हमारे लंग्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो लंग्स के एल्वेलाई भी डैमेज हो रहे होते हैं और ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन किडनीज में भी डैमेज हो रही होती है, तो जो ऐसी डिजीज है जिसमें किडनीज प्लस लंग्स दोनों डैमेज हो, और एक तरफ पेशेंट को ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम जैसे पिक्चर आ रही हो, हिमेचूरिया है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, एडिमा है, प्रोटीन यूरिया है, और दूसरी तरफ उसको लंग्स हेमरेज भी हो रहा हो, पल्मोनरी एडिमा और इस किस्म के फीचर्स, तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को गुड पैस्चर्स डिजीज है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा आती है आपके एमसीक्यू और वाइवा में। गुड पैस्चर्स डिजीज इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें बेसिकली इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें बॉडी की अपनी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलेजन, अल्फा 3 कॉम्पोनेंट होता है बेसिकली, एंड दैट कॉम्पोनेंट इज प्रेजेंट इन किडनीज एज वेल एज लंग्स, सो देर इज डैमेज ऑफ बोथ द ऑर्गन्स, और इसमें भी ट्रीटमेंट हमें इस वजह से इसको डायग्नोस करना जरूरी होता है, इसको डायग्नोसिस के लिए रीनल बायोप्सी हम करते हैं,
और उसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर आपके एक जीबीएम डैमेज हो रही है, और फिर आप चेक करते हैं कि एंटीबॉडीज कौन सी है, ठीक है। तो आपको एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज मिलती है, उससे डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, लंग्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, ये बात आपको 100% श्योर कर देती है। इसको डायग्नोसिस इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि इन पेशेंट्स की हम प्लाज्मा फेरेसिस करें ना, यानी प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है कि उसका, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज में हम इसको बनने से रोक नहीं सकते, हम ये करते हैं कि हम प्लाज्मा ही रिप्लेस कर दे बंदे का, प्लाज्मा रिप्लेस हो जाएगा तो एंटीबॉडीज खुद ब खुद निकल जाएंगी। तो प्लाज्मा फेरेसिस अगर हम इस पेशेंट्स का करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आते हैं और इनका क्योर रेट बहुत अच्छा होता है। उसके साथ आप इसको स्टीरॉइड एंड इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दे देते हैं, ठीक है। सिर्फ ये तो होती होती है हर तरफ, तो ये हो जाती है, ठीक है। तो ये एंटी जीबीएम डिजीज यहाँ पर आपके तकरीबन खत्म हो जाते हैं, इनको हमने डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आपको बताना था कि ये भी आपकी जीएन की तरह प्रेजेंट कर सकती है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मैं सभी के नाम, थैंक यू।